क्या हो गया आपके लिए जूस आ रहा है अभी इतनी कम एनर्जी से मत बोलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। अब ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऑल द टॉपर्स। एंड आप सब लोग बार बार मेरे को शुक्रिया दे रहे थे बट आई थिंक वो शुक्रिया की बात नहीं, ऑल ऑफ यू डिजर्व है ना। हम लोग गवर्नमेंट में किसके लिए काम करते हैं, आप ही लोगों के लिए काम करते हैं, तो इसमें शुक्रिया की बात नहीं, ये तो हमारा काम है कि हम लोग आपको बुलाएं, आपसे पूछें क्या क्या जरूरतें हैं, आपको मोटिवेट करें और जो जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिकॉग्नाइज करें। अभी यहाँ पे मैं बहुत खुश था ये देख के काफी सारे बच्चे बेसिक चीजें समझते हैं, जैसे सभी बच्चों ने एक तरह से अपने टीचर्स और पेरेंट्स को थैंक यू दिया, which means that they are grateful कि कहां से उनको सपोर्ट मिलता है अच्छे रिजल्ट्स लाने का। दूसरा मैंने देखा कि सभी स्टूडेंट्स ने ये बोला कि उनके जो साथी जो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए उनको भी उन्होंने मोटिवेट किया कि दिस इज नॉट ऑल, देयर आर मेनी मोर एग्जाम्स टू कम। और तीसरा जो मैंने देखा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के ऊपर काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला। तो एक बात तो डेफिनेट है दैट इज रूम का आईक्यू लेवल बहुत हाई है एंड यू ऑल आर द ब्राइटेस्ट एंड शार्पेस्ट ऑफ किश्तवाड़। जब हम बात करते हैं इसके आगे क्या, क्लास 8 हमने पास कर ली, नाउ ऑल ऑफ यू आर गोइंग इनटू क्लास 9। मेरे को ध्यान है जब मैं क्लास 9 में जा रहा था तो उस टाइम पे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स हुआ करता था और तब मेरी एक बंगाली टीचर थी, उन्होंने मेरे को जब क्लास पहले हमारी शुरू हुई तो उन्होंने बताया कि जब भी आप अगले लाइफ के 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल जितने भी आप जिएंगे आपको ये टेबल काम आएगी। और वो टेबल थी हमारे जो नंबर सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमारे योटा जेटा एक्सा पीटा टेरा गीगा मेगा किलो हेप्टो डेका डेसाई सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेप्टो एटो जेटो योक्टो, तो जो ये वाला नंबर सीरीज था तो शी टोल्ड अस के इसको आप अपने लाइफ के सेंटर पे रखना बिकॉज आपके डेसिमल सिस्टम में जब भी आपको पता चलेगा 10^-3 क्या है, 10^-1 क्या है, 10^9 क्या है, 10^12 क्या है, ये जो हमारे नंबर सिस्टम के जो फिजिक्स के यूटिलिटी हैं ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगे। तो वो चीजें बचपन की कई सारी होती हैं कि अच्छे टीचर्स की बताई हुई चीजें कुछ आपके साथ लाइफ लॉन्ग स्टिक करती हैं। और इसीलिए ये जो अभी आप स्टेपिंग स्टोन पे जा रहे हैं, और एक चीज बड़ा बच्चों को फ्रस्ट्रेट करती है कि हर चीज को ही लोग स्टेपिंग स्टोन बोल देते हैं। अभी क्लास 9 में चले गए तो ये भी एक ट्रांजिशन है, फिर 10th पास हो जाएगी तो अब जाके असली गेम शुरू हुआ है, फिर क्लास 12th पास हो जाएगी अब जाके तो आप फाइनली बड़े हुए हो, नाउ यू हैव टू कम्पीट, फिर जब बड़े हो जाएंगे ग्रेजुएशन हो जाएगा तो उससे कुछ नहीं होता, अब तो नौकरी एवरीथिंग, फिर नौकरी आ जाएगी तो नौकरी में प्रमोशन एवरीथिंग। तो ये चीज कभी खत्म नहीं होती बट इसी में लाइफ का फन है, टू एस्पायर एंड टू कीप ऑन रनिंग बिकॉज दैट इज वॉट गिव्स मीनिंग टू योर लाइफ, दैट इज वॉट कीप्स यू मोटिवेटेड। और जितने भी अभी स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को देखेंगे कि सिलेबस काफी ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है क्लास 8 के बाद क्लास 9 में। काफी सारे सब्जेक्ट्स जिनको आपने पढ़ा होगा, क्लास 6, 7, 8 इज वन सिंगल ब्लॉक जिसके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, उसके बाद वो टॉपिक्स जो है हमारे क्लास 9, 10 में फिर से रिपीट होते हैं बट विथ फार मोर डिटेल, एंड द सेम टॉपिक्स get repeated in class 11th and 12th with even more detail. तो हम एक लेवल से दूसरे पे और दूसरे से तीसरे पे जाएंगे। क्लास 6, 7, 8 अगर पहला लेवल था तो अब हम जाएंगे क्लास 9th और 10th पे और उसके बाद जाएंगे हम क्लास 11th और 12th पे। और हर लेवल का अपना एक मकसद है। पहले वाले लेवल का 6, 7, 8 का मकसद है आपको सबसे पहले चीजों से रूबरू कराना, आपको एक इनिशियल आपको एक्सपीरियंस दे देना हर चैप्टर के बारे में। मान लीजिए ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के बारे में अभी आपने जो पढ़ा है, अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो आपने बड़ी बेसिक सी चीजें पढ़ी होंगी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में,
ये स्टमक होता है, यहाँ पे ये जूसेस सीक्रेट होते हैं, इसका ये काम है, ये इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल है, ये लार्ज है। अब उसी चीज को आप क्लास 9th और 10th में जाओगे और आप पढ़ोगे कि अच्छा स्टमक के अंदर ये लाइनिंग भी होती है, इस जूस के अंदर ये चीजें होती हैं, इससे ये वाला फूड डाइजेस्ट होता है। फिर जब आप 11th और 12th में चले जाओगे तो फार मोर डिटेल में आप जाके देखोगे कि स्टमक के अंदर क्या क्या बीमारियां भी होती हैं, उसके साथ साथ हर जूस के अंदर का केमिकल कॉम्पोजिशन देखोगे। तो बाय एवरी स्टेपिंग स्टोन डिटेलिंग काफी बढ़ जाएगी उन्हीं चीजों की जिनको आप पहले पढ़ चुके हो। तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि हम क्लास 7th 8th में कुछ पढ़े, अब उसके बाद सडनली क्लीन स्लेट, फिर से जाके उन्हीं चीजों को 9th और 10th में पढ़ रहे हैं। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं बट काफी कम डिटेल के साथ। अब हमने और डिटेल में जाना है और 11th और 12th में मच मोर डिटेल में फाइनली जाना है। ये बात ठीक है कि 6th 7th 8th का जो 8th का अभी जो आप लोग सारे टॉपर्स आए हैं, ये बोर्ड एग्जाम है, इसका इतना ज्यादा आपका एक तरह से फाइनल बोर्ड एग्जाम नहीं है। 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम ज्यादा मायने रखते हैं, वो एक पुराना सिस्टम भी चला आ रहा है। मैं आपको बताऊं, पुराने टाइम पे लोग मैट्रिक बोला करते थे, है ना, और जो क्लास 10th पास कर जाता था वो बहुत बड़ा बात होता था, क्योंकि लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो पूरे गांव में पूरे शहर में एक क्लास 10th एक क्लास 12th पास आपको लोग मिल जाए वो ही बड़े लोग माने जाते थे। तो ये क्लास 10th और 12th के जो मार्क्स हैं आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में, कई सारे इंटरव्यूज में, एग्जाम्स को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे बच्चे जानते हैं, आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर अवेयर कि एग्जाम्स में अब कोई इन मार्क्स को नहीं पूछने वाला। अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हो, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, अगर आप कॉमर्स के लिए जा रहे हो, तो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आपके क्लास 12th के क्या मार्क्स थे, एक्सेप्ट अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते, बट वो भी अब चेंज हो गया है और एक एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट आने लग गया है। क्यों आने लग गया है? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे जो बोर्ड एग्जाम के मार्क्स थे बहुत ज्यादा हाई होने लगे थे। 90 के ऊपर जाना हमारे टाइम पे वॉज समथिंग, बहुत बड़ी बात होती थी। अब 90 के ऊपर जाना उतनी बड़ी बात नहीं रही। अब लोग बोलते हैं 95 के ऊपर क्यों नहीं आए। तो वो जो एक लेवल है इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो गया है कि अब उसको सबको बराबर पे लाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑलमोस्ट हर फील्ड में होने लगा। आर्ट्स की फील्ड में दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बाकी यूनिवर्सिटी है, AMU है, BHU है, जम्मू यूनिवर्सिटी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, स्कॉस्ट है, इनके खुद के एग्जाम्स अब हो रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें मेडिकल और इंजीनियरिंग, इनके तो एग्जाम होते ही थे, नीट का एग्जाम होता है, JEE का एग्जाम होता है। तो इन एग्जाम्स में आपसे कोई बोर्ड एग्जाम के मार्क्स नहीं पूछेगा, बट जब भी आप किसी इंटरव्यू स्टेज में जाओगे, और ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे मैं आपको बताऊं KVPY, किसी को पता है KVPY क्या होता है? किसी स्टूडेंट को पता है? IISc के बारे में पता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। अगर आज की तारीख में हम दुनिया के 500 टॉप इंस्टीट्यूट्स को लें और उसमें पूछें कि इंडिया का सबसे ऊपर वाला इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो कोई IIT या IIM नहीं, IISc आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। और ये जो इंस्टीट्यूट है, यहां पे एक स्कॉलरशिप चलती है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, KVPY। बहुत ज्यादा जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है बेस्ड ऑन द डिसर्टेशन, यानी कि आप किसी चीज पे एक रिसर्च करेंगे, एक पेपर पब्लिश करेंगे और आपको बुलाया जाएगा। उन केसेस में, इस तरह के स्कॉलरशिप के केसेस में आपके इन मार्क्स को पूछा जाता है और उसमें देखा जाता है कि बच्चे ने क्लास 10th और 12th में कितनी मेहनत की। गोज विदाउट सेइंग, जैसे UPSC में भी हम लोग जाएंगे तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को वो लोग देखते हैं, तब उसमें वो क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के मार्क्स को भी पूछते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट इन एग्जाम्स के साथ एक प्रेस्टीज भी आपकी जुड़ जाती है, क्योंकि आप इसी मार्कशीट को अपने साथ जिंदगी भर कैरी करने वाले हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि ये मार्कशीट के मार्क्स आपके कम हो। यू वुड वॉन्ट कि ये तो मेरे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाए। सो दैट इज द रेलेवेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम मार्क्स। रही बात अभी आप लोग जब क्लास 9th में जा रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी के एक बहुत ही
हेल्दी कंपटीशन हमको देखने को यहां पे बच्चों के बीच में मिल रहा है और होना भी चाहिए। सिर्फ ये बोलने से नहीं होगा कि मार्क्स डू नॉट मैटर, ऑफ कोर्स मार्क्स मैटर, इसीलिए सब लोग एग्जाम्स देते हैं। ये जरूर बात है दैट जिन लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते दे शुड नॉट गेट डिस्करेज्ड, क्योंकि लाइफ में अभी आप जिस स्टेज पे हैं, मुझे लगता है सब लोग 14 साल के आसपास होंगे, आप अभी जिस स्टेज पे हैं यू विल गेट फार मोर अपॉर्चुनिटीज अगले 4 साल 5 साल 6 साल में, यू विल हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव योरसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो अगर आप लोग गिरते भी हैं तो एक बार फिर से खड़े होने का मौका आपको मिलेगा। अब उसमें आप अपने को किस तरह से वापस पाते हैं, या फिर अगर आप टॉपर हैं तो टॉपर को कंटिन्यू रख पाते हैं। मैं अपना खुद का एग्जांपल दूंगा, जब मैं क्लास 8th में था तो आई सिक्योर्ड प्रीटी गुड मार्क्स बट आई वाज नॉट द रैंक 1 और रैंक 2, आई वाज प्रोबेबली रैंक 7 रैंक 8। फिर उसके बाद जब हम लोग क्लास 12th में चले गए तो एट दैट टाइम आई स्टार्टेड कमिंग इनटू रैंक 1 एंड 2, व्हाइल मेरे साथ जो 2-3 लड़कियां थी जो मेरी स्टूडेंट मेरी जो कलीग्स थी स्कूल के अंदर वो क्लास 8 की टॉपर थी, वो क्लास 12th तक जाते जाते पता नहीं उनको क्या हुआ वो 10th रैंक 10 के बाहर भी चले गए और पीछे हो गए। तो कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि अभी आप टॉप पे हो बट आप उस टॉप को मेंटेन नहीं कर पाते हो और उसके बाद आप डाउनफॉल में चले जाते हो। तो इसीलिए कोई भी स्टूडेंट अगर ये सोचे कि भाई ये रैंक तो मेरे को क्लास 9th में भी आ ही जाएगा, नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। एवरी एग्जाम विल बी अ फ्रेश असेसमेंट ऑफ ऑल ऑफ यू, आपका फिर से हर एग्जाम में पूछा जाए, आप कितने भी अच्छे हो जाए, आप आज 99% 100% लेके आए, जब आप क्लास 10th में फिर से बैठेंगे तब इट विल बी अ क्लीन स्लेट, यू हैव टू अपियर अगेन, यू हैव टू गिव योर एग्जाम, जो मार्क्स आएंगे इट विल अगेन गिव यू योर रैंक। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लाइफ है, हमेशा हर लेवल पे आपने अपने आप को इंप्रूव करते रहना। अभी मैं एक चीज और स्टूडेंट्स को बोलूंगा, जैसे हम लोगों ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी में लाइब्रेरी बनाई है उसी तरह से छात्रों पाडर और बॉन्जवा में भी हम लोग 3 लाइब्रेरीज बनाने वाले हैं। उसके साथ इस बार यूटी गवर्नमेंट के बजट में भी साइंस के लैब्स को लेके काफी एम्फेसिस है, फोकस है, क्योंकि अर्ली एज में आप लोग बहुत ज्यादा बुकिश नॉलेज अगर पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होंगे, आपने पढ़ लिया और उसको बस आंख बंद करके आंसर शीट पर लिख दिया, लेकिन रियल नॉलेज तब है जब आप उसके कॉन्सेप्ट को समझो, उसके कॉन्सेप्ट को इतना समझ जाओ कि आप उसके बेसिस पे इनोवेट कर सको। और इसीलिए अच्छे साइंस लैब्स बहुत जरूरी हैं और अच्छी लाइब्रेरीज बहुत जरूरी हैं। लाइब्रेरीज में मैं देखता हूं, जब भी जाता हूं यहां पे भी देखता हूं, एवरीवन रीड्स ओनली कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सब केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की किताबें पढ़ते हैं। मेरे को लगता है कि मान लीजिए यहां पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, आज आपका एग्जाम खत्म हुआ, यू हैव 1 more year जब तक कि आपका फाइनल एग्जाम आता है, यू शुड एक्सपैंड योर होराइजन, यानी कि आप लोगों ने अपनी सोच को बड़ा करना है, दुनिया में क्या क्या चीजें आ रही हैं आप लोगों ने समझना है, फॉर दैट यू हैव टू रीड इवन बियॉन्ड योर सिलेबस। और हमेशा सिलेबस के बियॉन्ड पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपके जो चीजें आपको पसंद नहीं उनको पढ़ने के लिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कुछ चीजें आपको खुद इंटरेस्ट देती होंगी, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश फिक्शन, हम लोग शेक्सपियर को क्यों नहीं पढ़ते हैं? आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे बढ़ रहा है, हमने साइंस की चीजों को जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उनको क्यों नहीं पढ़ते? और उसमें मुझे लगता है कि समवेयर हमारा जो स्कूल का सेटअप है उसमें जो लेटेस्ट मैगजीन्स हैं स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स की, वो स्टूडेंट्स के पास आनी चाहिए। आप लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस में आपको बताया जाता है कि भाई दिस इज द पार्लियामेंट, इसमें इतनी सीट्स होती है, इसमें ऐसे इलेक्शन होते हैं। हम लोगों ने इसके ऊपर
आफ्टर एवरी 3 or 4 months क्विजेस और कॉम्पिटिशन्स कराने चाहिए, ताकि ये चीज केवल सिलेबस तक रिस्ट्रिक्ट होके ना रह जाए. एवरीथिंग दैट वी डू शुड कम फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज आप जबरदस्ती करके एक लिमिट तक तो पुश कर लोगे. विद नो ऑफेंस टू माई फीमेल कलीग जो क्लास 8th में टॉप करती थी और क्लास 12th में नहीं कर पाई, प्रोबेबली जब वो पढ़ रही थी क्लास 8th में तो उस टाइम पे शायद उसने सोचा कि काफी सारी चीजें मैं याद करके बस एग्जाम पेपर में रिप्रोड्यूस कर दूंगी एंड दैट इज ऑल. लेकिन जब वो क्लास 12th तक गई तब दैट स्ट्रेटेजी वॉज नो लॉन्गर वर्किंग, क्योंकि क्लास 12th में कंसेप्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान था और उस टाइम पे आपने उस चीज को सिर्फ याद नहीं रखा बट उसके साथ साथ उसको समझा और उसका रियल लाइफ में भी मतलब निकाला. फिजिक्स की बात कर लें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एवरी लॉ ऑफ मोशन कैन बी लुक्ड अराउंड इन दिस प्लेस. तो अगर हम हर चीज को अपनी रियल लाइफ से कोरिलेट करेंगे तो वी विल बी एबल टू हैव अ नॉलेज विच इज सस्टेनेबल एंड विच हेल्प्स अस इन द लॉन्ग रन. क्योंकि ये जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कंसेप्ट्स का बड़ा फोकस होता है. याद कितना रखा उतना फोकस नहीं होता, रादर आपने उसको समझा किस तरह से उस पर फोकस होता है. तो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज कि सबसे पहले तो आप सभी को मुबारकबाद, यू ऑल हैव मेड अस प्राउड, सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू. सेकेंड राउंड ऑफ अप्लॉज टू योर टीचर्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड योर पेरेंट्स. सेकेंड वाला कम मत करो वरना लोग बोलेंगे कि टीचर्स के लिए थैंक यू नहीं दिया. सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, आपकी सक्सेस में 5-10% आपका रोल रहता है. काफी सारा एलिमेंट लक का भी होता है और काफी सारा एलिमेंट आपके पेरेंट्स और टीचर्स का भी होता है और ऊपर वाले का भी होता है. तो आपने ह्यूमिलिटी से हमेशा नॉलेज की तरफ जाना है, नॉलेज को अपने आप को एक बेटर बनाने का जरिया समझना है. और जो लाइब्रेरीज और लैब्स अभी बने, मैं चाहूंगा कि यहां पे आप लोग लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, करंट अफेयर्स, इन सब चीजों को भी पढ़ें. और जो हमारा गर्ल्स हायर सेकेंडरी है, अगर हम उसमें मैगजीन्स के अच्छे सब्सक्रिप्शन डाल दें, ताकि अभी जो बाकी लाइब्रेरी बनेंगी वो तो बनेगी 3-4 महीने, लेकिन ये जो एक लाइब्रेरी चल रही है इसमें लेटेस्ट मैगजीन्स के कुछ सब्सक्रिप्शन रहे, ताकि लोग सिलेबस के बाहर भी जो भी चीजें पढ़ लिया करें. वरना होता यही है कि सिलेबस, उसके अलावा कुछ नहीं बन, बट की लाइफ उससे बहुत ज्यादा होती है. तो अगेन माई ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ यू डू वेल. एंड आप सबने हमको आज बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं खुशी हुई है सारे टीचर्स को यहाँ पे. वी ऑल आर हैप्पी टू हैव यू एंड ऐसे ही आगे अच्छे काम करते रहिए, अच्छे पढ़ते रहिए, अपने पेरेंट्स और टीचर्स को प्राउड करते रहिए. थैंक यू सो मच.